अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी, जैसे हर बार बताता हूं, बेंगलुरु से। नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं आया है, बस एक ज़रूरतमंद चीज़ बोल सकते हैं, जैसे रील्स। बहुत सारे लोगों का वो जो गियर्स ये वगैरह रील्स में पूरे पार्ट्स गए रहते हैं। तो अभी मैं दूसरे मॉडल्स भी नहीं बोल सकता हूँ, बस एक ही ब्रांड में मिला है, जो टीका ब्रांड में स्पेयर पार्ट्स मिला है मुझे। लेकिन कौन से रील को परफेक्ट, क्या पार्ट्स वर्क करेगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्योंकि ये पार्ट्स का खास कर क्या है ना, मैं इस पे MRP भी हर चीज़ के लिए अपलोड कर सकता हूँ ना, मैं इसको सही तरीके से आपको प्राइस भी बता सकता हूँ, क्योंकि ये पार्ट्स आइटम है, तो उसीलिए बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसको कैसे अपलोड करूँ। हाँ, बस आप अगर देखिए, समझ जाइए, अगर आपका पार्ट्स कुछ गया है रील्स में, तो पर्सनली आप पूछ के मुझसे ले सकते हैं। हाँ, और इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करना है मुझे, क्योंकि ये उतने आसान से बहुत इजी नहीं है। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद कन्फ्यूजन हूँ कि कैसे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पार्ट्स आइटम इतने सारे रहते हैं, तो एक एक करके एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। चलिए, फिर भी जितना हो सकता है, जितना मेरे हाथ से होगा, उतनी कोशिश करके मैं आपको एक एक आइटम बताऊंगा। तो ये वाला एक प्रोडक्ट है जो शाफ्ट, मेन गियर शाफ्ट में आता है, तो ये वाला बॉल बेरिंग के साथ। तो चलिए देखिए, ओपन किया, पूरा बेरिंग्स निकल रहा है। तो ये बॉल बेरिंग के साथ आता है, तो ये खासकर शाफ्ट में आता है। लेकिन बहुत सारे रील का, हर रील का वो मॉडल सेपरेट रहते हैं, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ बाद में, ओपन करके गलती किया हो। तो जैसे मैं बोला, हर ब्रांड में सेपरेट सेपरेट शाफ्ट्स आते हैं, तो उसी लिए तो ये शाफ्ट के लिए काम आता है, फर्स्ट आइटम। और सेकेंड आइटम क्या है, देखते हैं, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, अगर इसमें से आपको कुछ ज़रूरतमंद चीज़ है, जो आपके रील्स ख़राब हुए हैं, कुछ भी इसमें से आपको लग रहा है कि ये सही है, मेरे रील को हो जाएगा, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो ये एक मिनट, इसी वजह से वो, सॉरी, देखिए ये भी सेम है जो अभी मैं बताया था आपको, ये वाला, क्योंकि ये इसमें अंदर बॉल बेरिंग्स आते हैं तो वो निकल जाएंगे, तो सेम ये भी है। हाँ, ये जो नॉन रिटर्न लॉक बोलते हैं, जो नीचे लॉक आता है उसका, ये भी बहुत सारे लोगों का कट हुआ रहता है, तो कंफर्म नहीं बोल सकता कौन से रील को कौन सा पार्ट्स लगेगा, ये सबसे बड़ा ये है। लेकिन टीका के जो रील्स हैं उनके लिए कंफर्म ये पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि खास कर ये टीका में ही मुझे मिला है। तो ये बेरिंग्स देख सकते हैं, ये बेरिंग्स है, और इसमें यहाँ पे साइज मॉडल, अगर आपको कुछ पता लग रहा है तो आप मुझे फ़ोटो लेके दे सकते हैं। तो ये बेरिंग्स भी आ गए हैं, और मेरा सर्विस सेंटर भी है, छोटा सा है सर्विस सेंटर, जो आज तक मैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो हाई रेंज के रील्स को, और सर्विस जैसे 100-200 रुपये में मेरा सर्विस हो जाता है, पूरा रील रेडी करके दे देता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लोग, बहुत लोग मुझे हेल्प किए, जो लोग उनके रील्स ख़राब हुए थे वो सब मुझे लाके सबमिट किए, तो वो रील्स से मैं इतने दिन काम चला रहा था। तो जो भी पार्ट्स गया है वो रील्स में से निकाल के उनको देना, सर्विस करके देना, ओनली 100-200, उसके ऊपर खास मेरे दोस्त अभी भी वीडियोस देख रहे होंगे, जिन जिन को मैं रील्स रेडी करके दिया हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए मेरे लिए, मैं जो किया हूँ। तो ये भी बेरिंग्स है, ये भी बेरिंग्स है, तो बेरिंग सब स्टॉक में है। तो इसके प्राइजेस मुझे खुद पता नहीं है क्या प्राइजेस है, अभी मुझे प्राइस लिस्ट आया नहीं है, जो भी है मैं पर्सनली प्राइस बताऊंगा, क्योंकि स्क्रीन पे भी मैं एक एक करके अपलोड भी नहीं कर सकता हूँ। ये मत सोचिए ज़्यादा रहेगा, जितना हो सकता है मेरे हाथ से उतना कम करके दूंगा मैं। तो टीका के बॉडी बॉडी भी आ गए हैं, जैसे ET LS स्ट्रिम स्ट्रेट मीन्स ET भी है, LS भी है, दोनों मॉडल है, इसमें कौन सा है कंफर्म मैं चेक करके बोलता हूँ। तो टीका के जो बॉडी, लेग बॉडी, अगर किसी का कट हुआ है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो
ये खा गया। और हाँ, नॉन रिटर्न, नॉन रिटर्न का जो लॉक होता है वो भी आया है, लेकिन ये कौन से रील का है मुझे कंफर्म नहीं है। 6 पीस एच, अच्छा, एलएस, एलएस और ईटी। ओके, एलएस और ईटी का दोनों का मॉडल है, एक बार आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। तो ये नॉन रिटर्न लॉक है, ये भी आ चुका है। तो हाँ, ये वाले टीका के जो नॉब्स अगर किसी के घूम गए तो नॉब्स भी आ चुके हैं, तो आप ये भी बुकिंग कर सकते हैं। प्राइजेस जैसे मैं बोला सेम, जो भी है मैं स्क्रीन पे देता हूँ। ये भी बेरिंग्स है, ये आप देख सकते हैं, तो बेरिंग्स, और ये भी बेरिंग्स ही है। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, सिर्फ इसी के लिए, दूसरों के लिए भी काम आएगा, तो आप लोग भी पर्सनली पूछ के मुझे ले सकते हैं। बस आपके जो भी आइटम्स गए हैं उसके फोटोस, और मुझे हो सके तो थोड़ा शॉर्ट वीडियोस, कौन सा पार्ट कहाँ का है ये बोल देंगे, मैं चेक करके कंफर्म कर दूंगा वो चलेगा नहीं चलेगा। और चलिए, और एक बेहतरीन आइटम आया है, लाइन रोलर। लाइन रोलर जो किसी का कट हुआ है, जो लाइन रोलर पिछली बार भी मैं बताया हूँ, जो लाइन रन होता है वो लाइन रोलर है। ये खासकर ब्राइडल में बहुत से रहे बहुत लोगों का कट होता है, तो ये भी आ गया है। तो बेरिंग्स, ये भी बेरिंग्स है, और वॉशर्स हैं, वॉशर्स, ये भी पूरे बेरिंग्स हैं, जैसे बिग साइज में, हर साइज में स्टॉक आया है। तो पार्ट्स आइटम है आप, ये वॉशर्स हैं, वॉशर्स, तो ये भी लाइन रोलर, बेरिंग्स, सॉरी वॉशर्स। तो देखिए, ये भी एक वॉशर है। ये सब छोटे 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 आइटम्स हैं जो पार्ट्स में, क्योंकि शायद आज तक कोई भी टैकल स्टोर इतना हिम्मत नहीं किया होगा जो पार्ट्स अरेंज करना कि ये सोचा हो। मैं सोचा आप लोगों के लिए, क्योंकि पार्ट्स, मेन आइटम जो है पार्ट्स कहीं भी नहीं मिलता है। आप रील ले सकते हैं, पार्ट्स लेना इतना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है पार्ट्स मिलना। तो चलिए देखिए, आप ये वाला भी जो इसमें आता है वॉशर्स, मीन्स अंदर में फिट होता है, और ये वाला जो पिन नॉन रिटर्न पिन होता है वहाँ पे आता है, और ये वाला, ये भी वॉशर्स है, उसके टॉप में आते हैं। तो पूरे वही है वॉशर्स, ये स्प्रिंग जो बेल अलार्म में आता है, बेल अलार्म का स्प्रिंग है। तो नेक्स्ट आता है ये वाला, ये भी बेल अलार्म में आता है स्प्रिंग, तो बेल अलार्म का स्प्रिंग है, ये भी बेल अलार्म का स्प्रिंग है। तो इसमें दो साइजेस दिया, जैसे छोटे बड़े, ताकि जैसे 3500, हाँ अभी याद आया, 3500 सीरीज, 4500 सीरीज, तो ये दोनों का साइजेस है, अभी मुझे याद आ रहा है। तो नेक्स्ट आता है ये वाला, देखो ये इतना छोटा आइटम है, इतना कीमती है, अगर ये एक आइटम नहीं है, आपका नॉन रिटर्न जो लॉक होता है वो काम नहीं करता है। तो ये भी आ चुका है। तो नेक्स्ट आता है ये भी, ये भी आपका, ये इसमें बेल अलार्म में आता है, बेल अलार्म में ही फिट होता है। तो हर पार्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, देखते हैं। जो भी आपके रील्स ख़राब हुए हैं मुझे कांटेक्ट करिए, पर्सनली बताइए। तो ये स्क्रूस, स्क्रूस आ गए हैं, हर स्क्रूज, हर साइज में हर स्क्रू आ गया है, तो ये देख सकते हैं। शायद मैं जल्दबाजी से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा है, तो उसी लिए। तो ये देख सकते हैं, हाँ ये वाले भी जो लॉक उसी में काम आते हैं जो वो काम करता है। हाँ, ये मैं, ये खासकर उतना जल्द तो गमता नहीं, घूमता नहीं, टूटता नहीं। हाँ, इसमें जो फिटिंग होता है, जो बॉडी में, बॉडी में, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बहुत लोग का देखिए ये कट हुआ रहता है, ये वाला, ये मेन यहाँ पे बैठता है, तो ये कट होता है। तो अगर ये कट हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, वो बॉडी चेंज करना पड़ता है। ये तो उतना आसान से किसी का घूमता नहीं, टूटता नहीं है, बाई चांस किसी को ज़रूरत है आप लोग इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया। और शॉफ्ट, शॉफ्ट में जो मेन शॉफ्ट, गियर शॉफ्ट आता है,
ये नीचे में अटैच आता है, तो ये क्या करता है शाफ्ट को नीचे लेके ऊपर, तो पुल और पुश का काम ये करता है शाफ्ट, मेन शाफ्ट। तो आप सोच रहे होंगे इतना परफेक्टली हर आइटम कैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमारा सर्विस सेंटर है, लेकिन मैं आज तक किसी को बोला नहीं, क्योंकि इतने सारे पैकिंग्स, इतना सारा ऑर्डर्स लेना है, इसी में मुझे पूरा 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 10 AM to 10 PM घट जाता है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ खाने के लिए, उसीलिए मैं ये सब बताया नहीं। लेकिन जो पर्सनली मुझे पूछ रहे थे सबको मैं रिपेयर करके दिया हूँ, तो ये भी आ चुका है। और ये एक आइटम है ये वाले, ये भी शॉफ्ट में ही आता है, तो ये शायद ये दो साइज, वो 4500 और ये 3500 सीरीज का। तो जैसे मैं बताया ये वाले भी आ चुके हैं। और चलिए ये सब वही है, तो ये एक आइटम है। ये अंदर जो अभी शॉफ्ट में दिखाया मेन जो गियर होता है, गियर में फिट होता है ये, तो गियर में वो पुल एंड पुश का ये भी काम करता है, ये भी आ चुका है। तो ये भी आ चुका है, वैसे ही शॉफ्ट में बोला, शायद ये दो दो क्वांटिटी में दिए हैं। तो ये हो गया। और हाँ बराबर, जैसे दो रील 3500 3400 500, तो दोनों साइजेस के पूरे वो क्वांटिटी है। तो चलिए मैं, क्योंकि ये एक आइटम है तो मैं इसको इसी में सेफ्टी कर देता हूँ, क्योंकि वो मिक्स हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये ज़रूरतमंद चीज़ है। जो रॉड रील है वो छोड़ दीजिए, वो हर टाइम वीडियोस होते ही रहता है हर जगह, मेरे पास ही नहीं, यूट्यूब मीन्स बहुत सारे जगह अपलोड होता है, तो वो पूरा टाइम लेके आप कहीं भी देख सकते हैं। तो बस ये आइटम जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट आया मेरे पास बेल अलार्म, जो किसी का टूटा है, स्लिप हुआ है, कुछ भी हो तो आप ये ले सकते हैं, मेरे पास आ चुका है बेल अलार्म, तो देख सकते हैं। और ये बाकी जो वॉशर्स और ये मेन शॉफ्ट का जो ये होता है, मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ। चलिए हाँ, ये वाले खासकर क्या होते हैं, देखिए ये स्लिप होता है या ये थ्रेडिंग स्लिप होता है, या तो जब ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ये दो ही जाते हैं इसमें, बाकी का जो हमारा शॉफ्ट गेयर होता है वो तो इसमें आता ही है, और शॉफ्ट अगर बेंड हुआ तभी आपका रील वो टाइट आता है। तो ये भी आ चुका है। चलिए और नेक्स्ट आया हमारे पास मेन शॉफ्ट, मेन जो गियर शॉफ्ट होता है वो वाला, जो हमारा हैंडल टू साइड भी जो हैंडल हम डालते हैं, तो ये होता है हमारा मेन गियर शॉफ्ट, ख़ासकर ये स्पिनिंग रील का है। अगर किसी का गया है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें जाता है ख़ासकर, देखिए ये वाले दांत कट होते हैं या तो ये कट होते हैं, तो अगर किसी का गया है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका नंबर भी देता हूँ, ताकि अगर ये नंबर आपके रील से मैचिंग हो रहा है तो आप ले सकते हैं। शायद क्लियरली दिख रहा है, ओके। तो ये नंबर दिया हूँ, तो नंबर देख लीजिए गौर से, अगर आपको सडनली नहीं दिख रहा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो नंबर देख लीजिए। तो वो हो गया। और नेक्स्ट आता है ये वाले डेल अलार्म का जो साइड पार्ट आता है, जो अप एंड डाउन काम करता है, ये वाले, तो ये भी बहुत सारे स्लिप होते हैं, या तो देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ये कट हुआ रहता है, जो डिफॉल्ट होता है रील्स में, मैं वही बता रहा हूँ, अगर ये हुआ है तो आप लीजिए। तो ये सब वॉशर्स हैं, ये तो नॉर्मल है, चल जाएगा। और ये भी शॉफ्ट है जैसे मैं अभी बताया। और हाँ, ये भी बेल अलार्म है, तो ये कौन सा मॉडल है मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके बताता हूँ। हाँ, LS, हाँ ET का ही है ये। तो ये वाला भी मेन बॉडी है, और ये वाले जैसे नॉन रिटर्न के मैं बोला था वो वाले हैं, और ये भी शॉफ्ट ही है।
जो अभी नहीं दिखाया हूँ मैं, अगर वो मिला तभी बताऊंगा, बाकी सब तो बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो ये वाला शायद ये छोटे रील का है, जैसे 3500, तो ये है। और वॉशर्स और साइड के जो बताया, और ये भी वॉशर्स है, वॉशर्स, तो वॉशर्स हाँ सेम है। तो ये वाला जो है आपका, ये भी बेरिंग जैसा ही काम करता है, वॉशर है लेकिन बेरिंग जैसा काम करता है। ये वाला भी आपका जो हैंडल रहता है वहाँ पे आता ही है। तो चलिए, ये वाले भी सेम वही है, सेम वही है जो अभी तक मैं पार्ट्स बताया। जैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका शॉफ्ट, मेन गियर शॉफ्ट और नॉन रिटर्न का वो वाला, और बेरिंग्स और बेल अलार्म, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाता है नॉन रिटर्न के वो लॉक्स, बस यही जाते हैं, बेरिंग्स जाते हैं, और ये मेन गियर शॉफ्ट जो होता है ये रस्ट होने से जाते हैं। तो ये भी काम आएगा आप लोगों के लिए। हाँ, जब तक मेरे पास ये आइटम है तब तक आप लोग बुकिंग कर लीजिए, ताकि आप चाहिए तो एक दो एक्स्ट्रा लेके रख लीजिए, क्योंकि शायद फ्यूचर में मिले या ना मिले। तो अभी मैं सर्विस सेंटर रखा हूँ, उसी लिए मैं ये सब मंगवाया हूँ, तो ताकि ये किसी ना किसी को काम आ जाए। तो बस सब वही आइटम्स हैं। अगर आपके रील्स आपसे नहीं हो रहा है, रेडी करना नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं इसके पार्ट्स के तो प्राइजेस मुझे अभी तक पता नहीं है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ क्या प्राइजेस है। इतने दिन मैं जो किया 100-200 में, शायद ये न्यू पार्ट्स डाल के मैं नहीं कर सकूँगा। हाँ, अगर जो भी प्राइजेस रहता है इसका मैं बताऊँगा, अगर ओके है रेडी करूँगा। और एक सोल्यूशन है मेरे पास आप लोगों के लिए, इतना अच्छा सोल्यूशन है, शायद आपको सुन के थोड़ा ये होगा, लेकिन मैं सोचा हूँ, ये बहुत दिन से सोच के मेरे माइंड में था, तो ये पार्ट्स देख के मुझे याद आ गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ, देखिए, अगर किसी को हेल्प करना, सबसे अच्छा नेचर होता है हेल्पिंग नेचर। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास रील्स जो बेकार पड़े हैं, जो किसी काम के नहीं है, जो वेस्ट है, वेस्ट, टोटल वेस्ट, तो उस तरह के अगर रील्स हैं तो मेरे तक पहुँचाइए, ताकि उसमें से जो भी चीज़, एक छोटा चीज़ भी जो एफर्ट नहीं करते हैं लेने के लिए और वो खेलने के लिए, क्योंकि मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं 200 का भी रील मेरे पास लेते हैं और 10,000 20,000 का भी रील लेते हैं। तो मेरे पास हर तरह के कस्टमर्स हैं, जो कम रेंज के भी लेते हैं वो भी है, हाई रेंज के लेते हैं वो भी है, और जो सेंटर बीच में बोल सकते हैं, कहीं भी बोल लो, वो मुझे बोलना नहीं आता है, तो उस तरह के भी कस्टमर्स हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वेस्ट, बेकार बेकार रील जो कोने में पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, अगर हो सके मेरे एड्रेस पे पहुँचाइए, ताकि उन वो पार्ट से किसी को हेल्प हो जाए। तो इतने दिन मेरे पास जो था, मेरे जितने रील्स थे, मैं पूरे ओपन करके डाल के उसमें काम चलाया, और जितने फ्रेंड्स मुझे रील्स दिए थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे हेल्प किए, और उन्होंने रील्स बहुत सारे दिए, और उनसे बहुत लोगों को वो हेल्प हुआ। तो आज तक मैं वो कर पाया हूँ, अभी भी है, लेकिन जो मेन मेन पार्ट्स है वो नहीं है मेरे पास, तो ये अभी आया है। तो देखते हैं इसमें जिस जिसको हेल्प होता है, और जो भी प्राइजेस रहेगा मैं बताऊँगा। और ख़ासकर पार्ट्स, पार्ट्स में 1 रुपया मार्जिन मेरे तरफ से नहीं रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि इसमें पार्ट्स में प्राइजेस ज़्यादा है, ज़्यादा किए हैं, मैं 1 रुपया आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि पार्ट्स आइटम है, ज़रूरतमंद चीज़ है। रॉड ड्रिल छोड़िए, वो मार्जिन पे काम चल रहा है, चल रहा है, लेकिन ये जो चीज़ होता है, ये सेलिंग करने से भी वो क्या बोलते हैं, वो खाने से आंग नहीं लगता है, मेरा मानना ये है। तो ये ज़रूरतमंद चीज़ है, आप लोग का कुछ भी पार्ट्स गया है बोलिए, तो इसमें से आप ले सकते हैं, और इसमें से मेरे पास रेडी भी करा सकते हैं। आप मुझे भेजिए अगर आपके रील्स ख़राब हुए हैं, कम दाम में, जितना कम हो सकता है। हाँ, चार्जेस, कुरियर चार्जेस मेन इधर यहाँ पे पॉइंट आता है, चार्जेस आप ही का रहेगा, वहाँ से भेजना और यहाँ से लेना, टू साइड चार्जेस आप ही का रहेगा, बस मेरा काम रहेगा हेल्प करना, जितना हो सकता है कम प्राइस में करके देना, मैं इतना कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितना टाइम मुझे फ्री मिलेगा उतने टाइम में, हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, तीनों को सर्विस सेंटर काम आता है, तीनों करते हैं, जिससे जब फुर्सत मिल जाए
वो आपका कर देगा, रेडी करके आपको आप तक पहुंचाएगा। तो सोच रहे होंगे आज इतना सारा स्पीच कर रहे हैं क्या करें, आपको समझाना पड़ता है हर छोटी छोटी चीज़ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों को जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बहुत लोगों को मैं बहुत सारे रील्स सबको किया हूँ, रेडी करके दिया हूँ, मेरे लिए कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे और हौसला बढ़ता है और अच्छे चीज़ और अच्छा काम करने का दिमाग में आता है उसी लिए। और बस आज के लिए जैसा मैं बोला, ये तो ईटी मॉडल टीका ईटी मॉडल के ही पार्ट्स हैं और बाकी रील्स के नहीं है। ऐसा नहीं कि बाकी रीलों को नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे रील्स मैं किया हूँ, अच्छे अच्छे ब्रांड के मेरे नॉर्मल रील्स में से पार्ट्स निकाल के किया हूँ मैं। अल्ट्रेशन कैसे बोलते हैं, बस दिमाग से काम चलाना है, तो अल्ट्रेशन करके बहुत किया हूँ मैं। तो आप ये मत सोचिए कि रील मैं कहीं से लिया, मुझसे कांटेक्ट करेंगे वो थोड़ा ये होंगे, ऐसा मत सोचिए। आप कहीं भी रील लिए हो, कौन सा भी मॉडल कहीं भी लिए हो, मैं हर किसी का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप वो मत सोचिए मैं कहीं से लिया हूँ, इनको कांटेक्ट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि पहली बात नहीं सोचता हूँ, मैं नंबर सेव नहीं करता हूँ, तो ये माइंड में मेरे रहता ही नहीं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स आते हैं मैं भूल जाता हूँ कौन क्या है, उसीलिए मैं कभी कभार रेगुलर कस्टमर तक पहचानता नहीं हूँ मैं। तो और एक मैं बताना चाह रहा था, अगर आप वहाँ से रील मेरे लिए भेज रहे हैं फ्री कॉस्ट हो, अगर आप समझ लीजिए थोड़े एफर्ट रील होते हैं जैसे कॉस्टली रील्स भी हो सकते हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हूँ। वेस्ट रील यूजिंग नहीं, वेस्ट रील अगर हाई रेंज में है उसके लिए भी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, ताकि उससे किसी को हेल्प हो जाए और मुझे भी हेल्प हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ही को होगा, मुझे भी हेल्प होगा। और कोरियर चार्जेस जो मुझे भेज रहे हैं रील्स, उनके कोरियर चार्जेस मेरे तरफ से होंगे, जो भी चार्जेस होते मैं वो पे कर दूंगा। और जैसे मैं बोला रील्स जो भी हो, आप अगर उसको सेल भी करना चाह रहे हैं मुझे कांटेक्ट करिए, आपका रील भेजिए, जो मेरे हाथ से होता है मैं उतना दे सकता हूँ, और आप भी इतना दे दीजिए, बोल सकते हैं बेझिझक, अगर होगा तो लेऊंगा, नहीं होगा नहीं भाई बोल दूंगा, सीधी बात है, क्योंकि मैं स्ट्राइट फॉरवर्ड बात करता हूँ, सब लोग को पता है, क्योंकि दिल में कुछ नहीं रहना है उसी लिए। तो बस ये एक मैसेज था, देख लीजिए। तो बस आज के लिए ये पार्ट्स का ही एक मुझे वीडियो देना था, तो आप देख चुके हैं, देखते हैं किस किस को ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।